बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद बिलाल इफ्तिखार खान और आप देख रहे हैं स्ट्रेटेजिक एनालिसिस ग्रुप। दोस्तों, आज भी हमारे साथ एक बहुत ज़बरदस्त गेस्ट मौजूद हैं, जनाब हामिद मशरकी साहब। थैंक यू सर, आपने हमारे लिए टाइम निकाला। सर आज तमहीद पर जाए बगैर सीधा ही हम डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। सर अब की बार ट्रम्प सरकार, हाउडी मोदी और हाउडी ट्रम्प, ये क्या हो गया है सर मोदी के साथ कि इतने बुरे तरीके से फेलियर्स पे फेलियर्स आते जा रहे हैं और अब ट्रम्प सरकार की जगह बाइडन सरकार आ रही है, तो क्या इसके कॉन्सिक्वेंसेस आप देख रहे हैं? और ख़ास तौर पे ये अभी जो कैपिटल हिल पे हमला हुआ था, पूरी दुनिया में अमेरिकन फ्लैग्स के बाद एक फ्लैग इंडियन फ्लैग था जो वहाँ पे मौजूद था। तो आप इन तमाम जो उभरती हुई सूरत हाल है, इसे किस तरीके से देख रहे हैं? थैंक यू वेरी मच बिलाल। बात यह है कि हमने ये देखा कि जो मोदी सरकार है उसने बहुत इन्वेस्टमेंट कर दी। बीजेपी ने अपनी इंडियन लॉबीज के थ्रू इस बार रिपब्लिकन्स के ऊपर, उनको यकीन था कि जी ट्रम्प जो है वो दोबारा जीत जाएंगे। और ट्रम्प ने जिस तरह इसराइल के साथ दोस्तियां बढ़ाई, इसराइल के साथ कैपिटल चेंज करने का वादा पूरा किया और अरब ममालिक को उसमें लाए, इस सारी सूरत हाल के साथ साथ ये भी नजर आया कि हाउडी मोदी हो और या दूसरी जो मूवमेंट्स हो, ऐसे लग रहा था जैसे मोदी सरकार खुद अमेरिका के इलेक्शंस में प्रेसिडेंट ट्रम्प की कैंपेन चला रही है। और देखें, प्रेसिडेंट ट्रम्प ने तो उसको यूज करना था, उसको तो फायदा था कि ठीक है भाई एक आदमी मेरे लिए कैंपेन कर रहा है, कि चूंकि इतनी वाजे लाइन ले ली थी बीजेपी ने और मोदी सरकार ने कि उसके नतीजे में अब जब बाइडन जीत गए हैं तो तमाम डेमोक्रेट्स को भी एक्सपोज हो गए हैं जी कि ये हमारे साथ नहीं थे, बल्कि इंडियंस और जो इंडियन गवर्नमेंट है वो वाज़े तौर पर रिपब्लिकन और स्पेशली ट्रम्प के साथ थी। और इस हवाले से जहां डेमोक्रेट्स को अवेयरनेस हो गई है रियलिटी ऑफ इंडियन गवर्नमेंट की, वहीं जो भारतीय मीडिया और भारतीय गवर्नमेंट है और मोदी सरकार है उसके अंदर सख्त बेचैनी और इस्तराब है। और अब वो इस कोशिश में है कि किसी तरह कुछ साबित कर दें कि बाइडन से भी कोई बड़ी कोई दोस्ती है कि मोदी की और बाइडन से भी कोई ताल्लुक है, तो ऐसा कुछ वो साबित नहीं कर सकते हैं। जबकि असल मामलात इसके बरक्स हैं। बाइडन ने 8 साल जब वाइस प्रेसिडेंट के तौर पर काम किया ओबामा के साथ, तो उस वक्त बड़े क्लोज रिलेशंस थे उसके पाकिस्तान इंतजामिया के साथ, सदर जरदारी के साथ, उसके बाद की गवर्नमेंट के साथ और उससे पहले भी। इस हवाले से मैं ये समझता हूँ कि जो बाइडन का आना निस्बतन पाकिस्तान के लिए बेहतर होगा, क्योंकि ट्रम्प का जो स्टांस था वो खुलेआम इंडिया को फेवर करता था, चाहे वो कश्मीर का मामला हो, चाहे वो पैलेस्टाइन का मामला हो, चाहे वो दूसरे मशरक़ वस्ता के मामलात हों। अब जो भारत सरकार है वो इस एक पहाड़ को, इस एक महल को तमीर कर चुकी थी अपने जहन में कि जी ट्रम्प के आते ही पता नहीं हम पाकिस्तान पे हमला भी कर देंगे, हम यहाँ पे भी ये कर देंगे, हम वो भी कर देंगे। तो अल्लाह की तरफ से इन सारी चीज़ों को, मैं कहता हूँ ना, वही मैन प्रपोजेस एंड गॉड डिस्पोजेस, ये अल्लाह के काम है। एक बंदे का मकर होता है, एक मकरुल्लाह, एक अल्लाह की हिकमत होती है। तो अल्लाह की हिकमत जो है वो बंदे के इनके मक्कारों के मकर से बहुत आगे है। इससे ये साबित हो गया है कि अल्लाह ने पाकिस्तान के लिए बेहतरी ही रखी हुई है और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में बेहतरी होगी। जहां तक बात की, हमने ट्रम्प ने 6 और 7 जनवरी की रात जिस तरह कहा, बलवाइयों की तरह उसने अपने सपोर्टर्स को कहा जी कि आप अटैक कर दें कैपिटल हिल पर और कब्जा कर लें और जनाब ये इक़्तिदार कब्जे में ले, उस सारी सूरत हाल ने अमेरिकन जहां जमहूरियत को एक्सपोज किया है, वहीं ये बात साबित की है कि अगर अमेरिका के अंदर भी सिक्योरिटी के बहुत सारे क्वेश्चन हैं, मतलब ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। अल्लाह ना करे अगर कोई पाकिस्तान के पार्लियामेंट हाउस में या कोई या ऐवान सदर में घुस जाता तो अगले दिन सबसे बड़ी खबर ये लग रही थी जी कि अगर प्रेसिडेंसी सेव नहीं है तो न्यूक्लियर एसेट कैसे सेव है, अगर प्रेसिडेंसी सेव नहीं है तो GHQ कैसे सेव है। लेकिन आज दुनिया ये सवाल नहीं पूछ रही कि भाई तुम अपने कांग्रेस के अराकीन को तो बचा नहीं सकते हो और तुम्हारे पास न्यूक्लियर बटन का होना जो हजारों की तादाद में है वो कितने गैर महफूज हैं। These are the questions world need to ask. Sir, coming back to the topic. अब जब हम ट्रम्प की बात करें तो वो आपके सामने है, मुआवजे का सामना कर रहे हैं। मुनफरिद तरीन मुआवजा है, एक सदर 2 बार मुआवजा एक टर्म के अंदर, और दूसरे मुआवजे के अंदर जो उनके ऊपर इल्जामात हैं वो शायद दुनिया की तारीख में किसी सदर पर नहीं लगे होंगे कि अपने ही सदर का इल्जाम है कि आपने अपने ही मुल्क में इंतशार, तशद्दुद को हवा दिया है, इंसाइटमेंट को परवान चढ़ाया है। सर ऐसे अच्छा सर, एक मजे की बात, अभी आप जो कैपिटल हिल पे बात कर रहे थे, इंडियन सोशल मीडिया के अंदर ये ISI की क्या हाल थी जो ये सब कुछ हुआ, और इसी तरीके से सर मैं दोबारा उस पर आऊँगा। सर क्या मोदी मनहूस साबित नहीं हुआ अपने मुल्क के लिए? देखें कोविड 100,000 से ज़्यादा अमवात हो चुकी हैं, मिलियंस के अंदर जो है पेशेंट्स वहाँ पे हैं, किसान जो हैं वो अभी तक एहतजाज कर रहे हैं, सितंबर में वो शुरू हुए थे एहतजाज करना और अभी तक उनका एहतजाज चल रहा है। इकॉनमी आपकी गिर गई है, इकॉनमी से आगे आप चले जाएं, फॉरेन पॉलिसी आपकी ऐसी है कि आपका कोई हमसाया आपके साथ बात करने के लिए तैयार नहीं है। वो बांग्लादेश जिसको आपने मुफ्ती योद्धा होते हुए एक्सपोर्ट किया था, तो वहाँ की जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो जो है महीने लेती है, इंडियन हाई कमिश्नर की रिक्वेस्ट में उसे लटकाती रहती है बात करने के लिए उससे। ठीक है सर, हर चीज के अंदर मोदी साहब जो हैं उन्होंने इंडिया का बटा जो है वो बिठा दिया है। तो अब सर ये क्या हो क्या रही है? अभी पिछले दिनों वो जफर हिलाली साहब का केस सामने आया कि उनकी एक इंजीनियर थी जिसे ANI कर रही है। तो सर इंडियन प्रोपेगेंडा के हवाले से डेस्परेशन के अंदर इनका प्रोपेगेंडा भी क्या बेवकूफाना प्रोपेगेंडा नहीं होता जा रहा? देखिए बिलाल, बात यह है कि एक्चुअली बेवकूफाना प्रोपेगेंडा तो तब हो जब वो ये रियलाइज करें कि वो गलत क्या कर रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली अभी तक वो इसे एक बबल में, इंडियन गवर्नमेंट और इंडियन मीडिया दुनिया खेजी एहतजाज हो रहा, तो उसके अंदर एक स्पीच में बंदे ने कहा कि देखें आप एक चाय बेचने वाले से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। वो हकीकत है कि उस आदमी का ना तो मोदी का कोई इंटेलेक्चुअल पन है, ना ही उसके पास कोई ऐसा जिसको आप कहते हैं कोई रिसोर्सेज है, ना ही उसने कोई जिंदगी में कोई ऐसी स्ट्रगल की है। एक आदमी जो हिंदुत्वा की जो जुनूनी आइडियोलॉजी है उसको लेके चलता हो, कत्लो गारत और हिंदुइज्म का प्रचार करता हो, ये तो जो मोदी का वजीर आजम बन जाना इंडिया का, ये सादे लफ्जों में मैं कहूँ तो बंदर के हाथ में माचिस आ जाने के बराबर है। ये पूरा जंगल जला देगा। मैं कई बार कहा कि मोदी पाकिस्तान या एशिया से ज्यादा खुद भारतीयों के लिए, खुद इंडियंस के लिए बड़ा खतरनाक साबित होगा, खुद इंडियंस के लिए ये इनका गोर्बाचोफ साबित होगा। उसकी वजह ये है कि जब एक आदमी सेंस से कोई काम नहीं करना चाहता, कोई आदमी, हम इंग्लिश में कहते हैं कि इफ ही डजंट वांट टू मेक द सेंस प्रीवेल, तो कैसी चीजें काम करेंगी। अब आप देखें इंडियन मीडिया का क्या हाल है, वो गोडी मीडिया है, दैट इज अ मोदी गोडी मीडिया। उसका एक ही मकसद है कि जी जो मोदी को हमने स्टार बनाना है, मोदी को हमने देवता बना देना है, मोदी को हमने गॉड ऑफ द इंडिया बना देना है। सर इस तरह तो ये अपनी कौम को अंधे कुएं में फेंक रहे हैं। और मैं आपको ये बात बताऊं कि बेशुमार जो इंटेलेक्चुअल्स हैं इंडिया में, जो हिंदू हैं, वो खुद ये बात मानते हैं और वो जान रहे हैं कि बुनियादी तौर पे पूरे जो इंडिया की जो सेकुलर असास थी उसको तबाह कर दिया गया है। इंडिया की जो टॉलरेंस की जो एक असास कायम थी नाम लेवा, वो खत्म हो गई है। खुद इंडिया के अंदर छोटी जातों के हिंदू जो हैं वो मुसलमान होने को प्रेफर कर रहे हैं एज कंपेयर टू द शेड्यूल्ड कास्ट हिंदूज। आप सोचें सारी सबसे ज्यादा समझने के मूड में है। ये मैं आपको बता दूं, मुझे इसमें कोई जिसको कहते हैं वेलकम बैक, कुछ वजूहत की वजह से हमारा रास्ता मुनक़ता हो गया था। सर आप बता रहे थे कि मोदी सरकार किस तरीके की इंडिया के लिए शगुन लेके आई है। हाँ बिल्कुल बिलाल, देखिए ना, अब इंडिया के लिए जो कुछ मोदी सरकार कर रही है वो खुद इंडिया के लिए ही सबसे बुरा है। और आप ये समझें कि कहीं इनको राफेल 5 मिल जाते हैं और ये आसमान सर पे उठा लेते हैं, कहीं इनको कोई छोटी सी चीज मिलती है तो ये सोचते हैं जी पाकिस्तान साथ ही JF-17 का 3rd वर्जन को लॉन्च करता है तो उनकी हवा निकल जाती है कि यार ये तो राफेल से बेहतर आ गई चीज इनके पास। तो अल्लाह का शुक्र है ये मामले जो हैं, मेरा एज ए इंटरनेशनल एक्सपर्ट के अलावा बहसियत मुसलमान मैं समझता हूँ कि ये मेरे रब के मामले हैं। वो तइज़्ज़ो मन तशाओ व तज़िल्लो मन तशाओ बियदिकल खैर, कि मेरे रब ने इज्जत और जिल्लत देनी होती है। यार पाकिस्तान के साथ इंडिया 1947 से एडवेंचर करता आ रहा है और 71 का बदकिस्मती के अलावा हर जगह इसको मुंह की खानी पड़ी है। आज मोदी सरकार वो जो महाभारत और उससे बाहर नहीं आ रही है, उसका नुकसान खुद मोदी को होना है, खुद उनकी आवाम को होना है। और मैं आपको एक और बात कहूँ, देखें हम बात करते हैं ना जब कि ये जो मोदी है इसको कोई समझ आ सकती है, तो देखें एक आदमी का इंटेलेक्चुअल पन ही नहीं है, एक आदमी के पंजाबी में कहते हैं समझदारी इतनी नहीं है, इसलिए मुझे उससे अच्छे की उम्मीद नहीं। मुझे सिर्फ हमारी तैयारी और अल्लाह की नुसरत पर भरोसा है। Eventually, it is gonna be happening. आज एक बड़ी अजीब किस्म की जो है वो खबर हिंदुस्तान टाइम ने छापी हुई थी। अब मुझे तो समझ नहीं आती कि इंडिया में कोई भी ऐसी हस्ती है जिसको क्रेडिबल माना जा सके। वो कहते हैं कि जी इंडियन एयर जो आर्मी है उन्होंने एक सुरंग पकड़ी है जो पाकिस्तान से आती थी और उस सुरंग के मिलिटेंट्स आते थे और वो लाइन ऑफ कंट्रोल इनकी बाढ़ से टोटल जो है ना 65 मीटर के पास थी। सर ये क्या हम इतने ज्यादा हो चुके हैं कि पहले तो वो पहाड़ के नीचे तक वो गए होंगे, उसके बाद वहां से ये सर कर क्या रहे हैं सर? इससे पहले जफर हलाली मैं बताता हूं बिलाल। हाँ बिल्कुल बिलाल, देखिए पता है क्या है, आप इनका खौफ मुलाहिजा करें कि कभी ये कबूतर पकड़ते हैं और उसके नीचे लिखी हुई चीजों को कोडवर्ड के नाम दे देते हैं, ठीक हो गया जी। कभी ये लोग बेचारा कोई बूढ़ा कोई भूला भटका चला जाए तो उसको एजेंट बना देते हैं, जो गूंगा बहरा होता है। तो खुदा के लिए इतना मैं ये कहता हूं कि मोदी और जो अजीत डोवल है और ये अमित शाह हैं, इनकी रातों की नींदें उड़ी हुई हैं। इनके ख्वाबों में भी पाकिस्तान और ISI ही आती है। और ये भी ये मेरे रब की तरफ से उनके ऊपर एक खास तरह की सजा है। आप सोचे सुरंग की बात, मतलब आप बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं कि क्या मुमकिन है कि 400-500 मीटर के ऊपर पाकिस्तान कई दिन लगा के इतनी डीप सुरंग खोले, उसके लिए ब्लास्टिंग भी करनी पड़ती है, उसके लिए 100 चीजें करनी पड़ती हैं, फिर उसका जो मिट्टी है उसको डिस्पोज ऑफ करना पड़ता है। हाँ मतलब आप किस तरह की बातें कर रहे हैं? इसका मतलब ये कि आपके जो वो फौजी जहाँ चौकियां हैं वो उनको पाकिस्तान आर्मी ने ब्लाइंड फोल्ड कर दिया है, क्या कर दिया है सर, उन्हें भाग लाई हुई है। हाँ ये खौफ की अलामत है। आप सोचें यही पाकिस्तान की बिलाल सबसे बड़ी कामयाबी है कि अपने से 7 गुना बड़ा दुश्मन और इस तरह खौफ में मुब्तला है कि हमारी तरफ से आने वाली, जिसको हम कहते हैं ना छोटी सी हवा हो या हमने जरा सी खंकारा भी मारे तो उनकी जान निकल जाती है, इस तरह मुझे लगता है। तो ये अल्लाह की रहमत है। मैं तो इसको इस तरह मैं इस पे हंसता हूँ और मैं इंजॉय करता हूँ। मैं ये सोचता हूँ कि यार इनकी स्पेकुलेशन कहाँ चली गई है, ये दिस इज हेल्यूसिनेशन एंड स्पेकुलेशन। इसके ऊपर मतलब दुनिया का कोई मीडिया इसके अलावा और कोई बात कर ही नहीं सकता। सर जहाँ पे प्राइम मिनिस्टर उड़न खटोलों की बात कर रहा हो और आप जानते हैं कि वो क्या नाम है, दुनिया की सबसे पहली जो मोदी सरकार ने वो जो प्लास्टिक सर्जरी करवाई थी। और बिलाल ये कहता हो जी कि 5,000 साल पहले हम इंटरनेट यूज करते थे। आपको याद है? खुदा की कसम सर, कमाल है खुदा की कसम। जहाँ पे आप सरकार को, वहाँ पे मैं कहूँगा कि इंडियन जो अवाम है ना सर, ये दुनिया की सबसे मासूम तरीन, सबसे ज्यादा मजलूम तरीन अवाम है कि जिन बेचारों को वो कहते हैं ना कि इतने छोटे उनके ब्रेन रखे गए हैं इन्होंने, इनके लीडरशिप ने। अभी आप कह रहे थे सेकुलर बुनियाद, तो सर मैं यहाँ पे बड़ा आपको अपने तजर्बे अपनी रीडिंग के बुनियाद पे कहूँगा कि सेकुलरिज्म तो कभी इंडिया में था ही नहीं। अगर आप गांधी को कहें तो गांधी भी जिसका ख्वाब देखता था, जिसे करण थापर जो है वो कोट करता है, वो उनको बेचारे को मार दिया गया। एंशिएंट ग्लोरी, गांधी का भी इंडिया एंशिएंट ग्लोरी का तर्जमान था, यानी कि वही जो आप आर्या या बायस जमाने के। इसी तरीके से जितना कत्लेआम मुसलमानों का, सिखों का, ईसाइयों का कांग्रेस दौर में हुआ, किसी और दौर में नहीं हुआ। तो आई डोंट थिंक सो, आई डोंट बाय के इंडिया कभी भी सेकुलर बुनियाद रखता था सर। अब मेरा मैं तो कहता हूं सो कॉल्ड, वो सो कॉल्ड का भी भांडा फूट गया। एग्जैक्ट। अच्छा सर अब मेरा जो है ना, यानी कि आपसे सेकंड लास्ट सवाल ये है कि मैं सर 2005 के अंदर मेरा मास्टर्स कंप्लीट हुआ, उस वक्त से इंडियन प्रोपेगेंडे पे मेरी नजर है। मैंने देखा वो 3 चीज़ों को हिट कर रहे हैं। सबसे पहले वो करते हैं पाकिस्तान आर्मी को, उसके बाद वो करते हैं पंजाब को, और फिर वो करते हैं ISI को। क्या वजह है कि इनके आप, यानी कि अब मैं इस नतीजे पर सर पहुँचा हूँ कि जब अगर आपने इंडियन प्रोपेगेंडा, किसी प्रोपेगेंडा का माखज देखना होना, इन 3 चीजों को अगर कहीं पे हिट होता हुआ आपको नजर आएगा तो वो इंडिया से निकल रहा है। तो अभी पाकिस्तान के अंदर भी कुछ ऐसे हालात क्रिएट करने की कोशिश की गई, उसमें भी हमने देखा जो खुद प्रूव करता है इंडियन प्रोपेगेंडा है, क्योंकि वही चीज़ जो फिजिकल नजर आती है कि पंजाब को गाली दी गई, यहाँ पे पाकिस्तानी फौज को गाली दी गई, यहाँ पे जो है ISI को गाली दी गई। तो आप क्या देखते हैं, क्या हम अभी तक इस पैटर्न को नहीं समझ सके, हमारी यहाँ पे लीडरशिप? आपने सही कहा बिलाल, ये बदकिस्मती है कि हमारी लीडरशिप समझते बूझते हुए भी इस पर बात कतराते करते हुए कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज कर जाती है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि आप पंजाब और पंजाबी जो है ना, मैं समझता हूँ उनका टॉलरेंस लेवल, मैं मतलब मुबालगा नहीं करूँगा, लेकिन उनका टॉलरेंस लेवल शायद दुनिया में सबसे ज्यादा होगा अपने ऊपर तनकीद बर्दाश्त करने के मामले में। और इसी सॉफ्टनेस और टॉलरेंस लेवल का फायदा उठाया जाता है कि पंजाब का, देखिए पंजाब का जितना कंट्रीब्यूशन है पाकिस्तान के वजूद के हवाले से, पाकिस्तान की तरक्की के हवाले से, पाकिस्तान को सब कुछ देने के हवाले से, वो किसी से ढका छुपा नहीं है। सर आप इंडियन पंजाब को देख लें, वहाँ पे मोदी सरकार जो इस वक्त पंजाबियों के साथ कर रही है सितंबर से, बिल्कुल एक मुझे तो ऐसे लगता है कि जो ये हिंदुत्ववाद सरकार है, जो ये आपके महाराष्ट्र वगैरह के या यूपी वगैरह के जो ये इंतहा पसंद शिद्दत पसंद दहशत गर्द है, इन्हें पंजाबियों से, चाहे वो इंडियन पंजाब के हो चाहे यहाँ पे हो, उनकी आवाम को, सिख पंजाबी को चर्च पे लगा दिया, इवेंट पे लगा दिया। सर उनके लिए जो है इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं है, उनके लिए जो है खालिस्तान का नारा भी उन्होंने कब लगाया, इन्हीं वजूहात की वजह से पानी चोरी करके आप इंदिरा कैनाल बना रहे हैं। तो सर ये आप देखते क्या माइंडसेट है ये इस सरकार का, जो पंजाब के पीछे हाथ धो के बैठी हुई है, चाहे वो इधर का हो चाहे उधर का हो, हालांकि पंजाब तो सब पंजाब है, पूरा हिंदुस्तान खाता है तो पंजाब का उगाया खाता है। क्या देख रहे हैं आप ये किसानों को सामने रखते हुए जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं? देखें पंजाब, बिल्कुल आपने ठीक कहा, अगर आप ग्रेटर पंजाब यानी पूरे पंजाबी में कहते हैं लैंदे पंजाब और चढ़दे पंजाब को देखें तो इट इज द मेन हब एंड बैकबोन ऑफ एंटायर सब कॉन्टिनेंट। पूरे बड़े सगीर का फसलों के एतबार से, गजाइत के एतबार से, रिसोर्स के एतबार से, एजुकेशन के एतबार से, हर तरह से। ये लोग गलत कहते हैं, पंजाब का रेट ऑफ एजुकेशन और पंजाब का जो एजुकेशन और इंटेलेक्चुअल लेवल है वो मेरा ख्याल है बड़े सगीर में सबसे ज्यादा है, अगर आप उसको बगौर देखें। बात ये है इंडिया ने भी वही किया हुआ है और इंडिया ने पाकिस्तान के साथ भी यही किया है और अपने साथ भी, कि टारगेट क्यों किया है, इसलिए ताकि बाकी जो छोटे सूबे हैं उनके अंदर कंफ्यूजन पैदा किया जाए, जिसमें वो बड़े हद तक कामयाब भी हुए। और फिर मैं पाकिस्तान के इदारों को क्रेडिट दूंगा इसमें, जिन्होंने इस कंफ्यूजन को आहिस्ता आहिस्ता डिफ्यूज किया और इस कंफ्यूजन को ख़त्म किया, क्योंकि अगर अल्लाह ना करे ये कंफ्यूजन बढ़ता जाता तो ये बात कंफ्यूजन से बढ़ती बढ़ती नफरत और नफरत से बढ़कर आगे कहीं और चली जानी थी, जैसा कि कंफ्यूजन क्रिएट किया गया मशरकी पाकिस्तान और मगरबी पाकिस्तान का नाम लेकर। तो इसी कंफ्यूजन को अब वो पंजाब और सिंध और बलूचिस्तान से पैदा करना चाह रहे थे। अब जहां तक बात है किसानों की, तो साहब किसान जो हैं वो इतने डिटरमिन हो गए हैं अपना हक लेने के लिए कि इंडिया चाहे कुछ भी कोशिश कर ले, उसको जिस इंडिया क्या कर रहा है, इंडिया उसको कंट्रोवर्शियल बनाना चाह रहा है, मुतनाज़ा कि जी ये एक अक़लियत का मामला है यानी सिखों का मामला है। इंडिया इसको, बीजेपी के लीडर्स ये कह रहे हैं जी कि ये ISI करा रही है, उनका हर काम ही ISI करा रही होती है। तीसरी बात वो क्या कर रहे हैं जी कि ये किसानों का मुतालबा नहीं है बल्कि ये सिख खाली आके बैठ गए हैं। यानी आप सोचें कि कंट्रोवर्शियल बनाकर ये सिखों को मजीद कर, दिल्ली के सर्वाइव जो सबर्ब्स हैं, खालिस्तान का नारा भी लग चुका, वहां पर ये बातें भी हो रही कि जी खाना मिल जाते तो पंजाब जो है वो इकट्ठा भी रहता और सिखों की जो खालिस्तान है उसका ख्वाब भी पूरा होता। और तीसरी बात ये कि जो इंडिया ने 85 में इंदिरा गांधी के वक्त किया, देखें सिखों के वो जख्म अभी भरे नहीं थे। अब ये टाइम आ गया है कि सिखों को अगर मजीद दबाया जाएगा तो ये किसानों की तहरीक बगैर किसी वजह के, बगैर किसी रीजन के स्ट्रेट अवे खालिस्तान मूवमेंट में बदल जाएगी। और मैंने एक जगह कहा कि खालिस्तान मूवमेंट में बदलने के बाद सिखों के साथ आप कुछ भी कर लें, उन्होंने फिर इन आजादी लेकर छोड़नी है और हमारा जो हमसाया है वो इंडिया नहीं रहेगा, की जगह खालिस्तान हो जाएगा हमारा हमसाया। तो मेरा ख्याल है कि दुनिया की वो जो थ्योरी आई थी कि जी आप हमसाए चेंज नहीं कर सकते, पाकिस्तान वो भी साबित करेगा। सर बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। दोस्तों आज हल्के फुल्के अंदाज में हम बात करना चाह रहे थे कि अब तो वो हंसी आती है जिस किस्म का प्रोपेगेंडा इंडिया की तरफ से आ रहा है। थैंक यू। लैब जो है वो काफी नहीं था, जो अब अजीब अजीब, अभी पिछले दिनों जो है हमारे सीनियर एम्बेसडर रिटायर्ड जफर हिलाली साहब की इंजीनियर डाई, और मजे की बात ये ANI वालों ने उसको जो है ट्वीट किया और उसके बाद इंडिया के तकरीबन तमाम मीडिया ने उसे कोट किया। तो हंसी की बात ये है कि पूरे इंडिया के अंदर सिर्फ एक हमने देखा, उसने थोड़ा सा करैक्टर इदारे ने शो किया, हिंदुस्तान टाइम्स ने, जिसने माफी, इंडिया टुडे ने, उसने माफी मांगी कि ये डॉक्टरेट हमने चलाई थी। NDTV वगैरह वगैरह, रिपब्लिक वगैरह ने उस खबर को तो हटा दिया लेकिन माफी मांग नहीं की। बात ये है कि कॉम्प्लेक्सेस का शिकार है हमारा हमसाया। आई थिंक कि हम लोगों को उनके ऊपर रहम करना चाहिए, फोकस करना चाहिए अपनी तरक्की के ऊपर। हाँ, ये मैं ज़रूर कहूँगा कि हमें चौकन्ना रहना चाहिए कि मोदी अपनी A to Z पॉलिसीज़ के अंदर नाकाम हो गया है और अब वो फ्रस्ट्रेटेड है, और जिस तरह के वो इल्ज़ामात लगा रहे हैं और जिस लेवल पे इंडियन उतर रहे हैं, तो किसी भी वक्त अगर हम चौकन्ना ना रहे तो वो कोई एडवेंचर कर सकते हैं, जिसके लिए हमारी फोर्सेस तैयार हैं। अगले तजिए तक के लिए मुझे मोहम्मद बिलाल इफ्तिखार खान को इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।